कमिंग बैक एंड स्लीपिंग फॉर क्वाइट सम टाइम. मैं अपनी टेबल ऑर्गेनाइज करने लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसअप हो रखी थी मेरी टेबल. एंड आई स्टार्टेड टेकिंग आउट माई स्टफ़ फॉर साइंस एग्जाम, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम है अब साइंस का एंड वी हैव लाइक टोटल 4-5 डेज. तो हाँ, उसके लिए आई हैव टू प्रिपेयर एंड मैं आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरा साइंस का ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस इज ऑलरेडी डन, मतलब सारा ही सिलेबस डन हो रखा है. आई जस्ट हैव टू रिवाइज इट प्रॉपरली. तो हाँ, तो राइट नाउ आई एम मेकिंग अ टू डू लिस्ट कि मेरे को आज क्या करना है. तो आई एम थिंकिंग कि आई विल डू केमिस्ट्री टुडे एंड आई विल कंप्लीट इट टिल नाइट. तो आई स्टार्टेड स्टडिंग एट ऑलमोस्ट 6 PM एंड आई स्टडीड टिल क्वाइट लेट दैट डे. लाइक 1-2 बजे तक मैं पढ़ती रही, देन आई स्लेप्ट. बट हाँ, एक दिक्कत होगी कि जब मेरे को रिकॉर्ड करना था तब मेरे फ़ोन में बैटरी बिल्कुल नहीं बची थी, तो आई कुडंट रिकॉर्ड एनीथिंग दैट आई स्टडीड. सो हाँ, एनी वेज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी टेल यू माई प्लान फॉर गैप डेज. तो एज यू ऑल नो, साइंस के पेपर में हमें मिले 4 दिन एंड वी हैव 5 नाइट्स, सो वी कैन ईजिली कवर आर होल सिलेबस. सो फर्स्ट थिंग इज टू मेक अ प्रॉपर प्लान लाइक दिस. तुम अपने डेज को डिवाइड कर सकते हो जैसे मैंने करा. लाइक 26 को आई हैव कम्प्लीटेड केमिस्ट्री ऑलरेडी, आज मैं करूँगी बायो विच इज़ 27th, एंड 28th को आई विल डू फिजिक्स. मेरे पास पूरे 2 दिन बचेंगे उसके बाद, एंड अगर मेरा कुछ काम बच गया फिजिक्स का तो आई विल कंटिन्यू इट ऑन 29th एज वेल. बट जैसे तुम लोग ये वीडियो आज देख रहे हो, तो तुम अगर आज से भी स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा तब भी ईजिली कम्प्लीट हो जाएगा. तुम पे पूरा 1 दिन बचेगा पूरे सैम्पल पेपर्स करने को, अच्छे से अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करने को, एंड और भी तुम्हें अगर रिविजन करने, क्वेश्चंस करने, तो तुम वो भी कर सकते हो. तो हाँ, इट इज़ बेटर दैट यू स्टार्ट राइट नाउ. आफ्टर मेकिंग अ प्लान, प्लीज़ मेक श्योर कि तुम उसको फॉलो करो, क्योंकि बस ये कुछ दिन ही रह गए. बस 3 पेपर हम कह सकते हैं कि मेजर वाले रह गए. उनमें से सबसे मेजर वाला है मैथ्स, जिसके लिए हम बाद में प्रिपेयर करेंगे, बट अभी है साइंस. तो हाँ, उसके लिए तुम्हें ढंग से प्रिपेयर करनी होगी. साइंस इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. अगर तुम्हारे मैथ्स में किसी और सब्जेक्ट में नंबर कम भी हो गए, तो तुम साइंस से, इंग्लिश से आराम से उसको कोप अप कर सकते हो. यू कैन यू नो कवर अप द मिस्टेक्स एंड द डैमेज डन बाय अदर सब्जेक्ट्स. तो हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम साइंस को सीरियसली लो एंड ढंग से करो. सेकेंडली, यू नीड टू बी थॉरो विद NCERT. यू हैव टू रीड इट लाइन बाय लाइन क्विकली, डोंट स्किप एनी एक्टिविटी एंड सॉल्व द एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड जो बैक एक्सरसाइज दे रखी है वो. ये तुम्हें करना ही करना है. दिस इज लाइक द बेसिक थिंग विच यू हैव टू डू वेरी प्रॉपरली एंड वेरी नाइसली. तुम्हें ढंग से सारे एक्टिविटीज़ पढ़नी होगी. एक्टिविटीज से, एज यू माइट हैव नोटिस, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर में एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में भी होते हैं. तो यू हैव टू डू इट प्रॉपरली एंड सीधा डायरेक्टली उठ के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं NCERT से, क्योंकि NCERT इज़ द लाइक मेन बुक एंड मेन थिंग ऑफ CBSE. तो हाँ, यू हैव टू डू इट प्रॉपरली एंड तुमको उसका हर एक क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए. तुम्हारे पास पूरा साल था, तो तुमने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा. तो यू हैव टू रिवाइज इट प्रॉपरली एज वेल. तो द लास्ट थिंग इज़, और द सेकेंड लास्ट थिंग विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज़ द एग्जाम्पलर. एग्जाम्पलर में से बहुत क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं. प्री बोर्ड्स में भी तुमने देखा हो, एग्जाम्पलर से बहुत क्वेश्चन आते हैं. एन एग्जाम्पलर इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर तुम पे अब टाइम नहीं है, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम इतना नहीं बचा कि तुम एक क्वेश्चन करने बैठोगे, वट यू कैन डू इज़ कि तुम आंसर खोल लो सामने अपने लैपटॉप पे या अपने फ़ोन पे एंड यू कैन गो थ्रू इट क्विकली. इससे तुम्हारा अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा किस लेवल के तक के क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड जिन क्वेश्चन में तुम्हें डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, यू कैन वॉच अ क्विक लेक्चर ऑन दैट क्वेश्चन एंड तुमको वो समझ में आ जाना चाहिए. या तुम अपने ट्यूशन टीचर से वगैरह पूछ लो, तो दैट वुड बी ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. ऑल्सो यू हैव टू नो कि बहुत सारा टाइम है तुम्हारे पास. तुम एक दिन में एक पूरा सब्जेक्ट लेके बैठोगे ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो, वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा विद ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि हमारे पास पूरे 4 दिन हैं. 4 दिन में क्या कुछ नहीं हो सकता, बहुत ईजिली हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट, रिविजन वगैरह जो भी तुमको करना है वो सब हो जाएगा. बट यू हैव टू वर्क हार्ड एंड तुमको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी. अब इफ़ यू हैव कंप्लीटेड ऑल दीज थिंग्स, नाउ इट इज़ 29th ऑफ फेब्रवरी. उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव 1 day टू सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एंड गो थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs. अगर तुम्हारे पास PYQs की बुक नहीं है, तो यू कैन इजीली गेट द PYQs फ्रॉम गूगल और एनी अदर वेबसाइट और फ्रॉम YouTube. तुम आसानी से, तुमको पता चल जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं उस चैप्टर की. एंड अगर तुम अपने पेपर्स भी एनालाइज करोगे, पास्ट ईयर पेपर्स भी एनालाइज करोगे, तुम्हें उससे भी पता चल जाएगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है. बट इतने हार्डवर्क करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यू हैव इनफ रिसोर्सेज ऑन YouTube टू गो थ्रू एवरीथिंग. तो हाँ, यू कैन ईजिली रिवाइज PYQs फ्रॉम यूट्यूब. एंड अगर तुम्हें लाइक करना है PYQs रिवाइज, यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन द डे जब तुम NCERT रिवाइज कर रहे हो. उससे तुम्हारा उस दिन के लिए थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, बट एट दी एंड यू विल बी रिलैक्स एंड तुम ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहे होगे. सो दिस इज़ माई लास्ट पर्सनल टिप, दैट यू कैन वेक अप अर्ली टू कम्प्लीट ऑल योर गोल्स, लाइक इफ़ यू आर कम्फर्टेबल इन वेकिंग अप अर्ली. क्योंकि पर्सनली आई थिंक कि सुबह उठने से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है, फॉर मी पर्सनली. बट अगर तुमसे भी अच्छे से पढ़ाई होती है, तो तुम कर सकते हो ऑब्वियसली सुबह उठ के. एंड सुबह उठने से तुम्हारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा. एंड ऑल्सो डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, कीप स्टडिंग
एंड यू कैन इजीली स्कोर 90 प्लस इन साइंस ओनली इफ यू रिवाइज ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस इन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अगर तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे देन एवरीथिंग वुड बी फाइन एंड डो नॉट टेक टू मच स्ट्रेस क्योंकि अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है यू स्टिल हैव 4 days या 3 days कह लो बट इट इज इनफ टाइम तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो आराम से पढ़ाई करो करो सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल एंड दिस वॉज माई गैप डे स्ट्रैटेजी एंड मैं सीरियसली यही फॉलो कर रही हूँ तुम लोग भी फॉलो कर सकते हो सो हाँ दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोस्ट रिलेटेड कॉन्टेंट बाय